कोरोना वायरस के चलते काफी समय से लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हैं और 14 अप्रैल को लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हो रही है। लेकिन अब यहां पर एक शब्द इसमें जुड़ गया है जिसको बोला जा रहा है कि पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा। तो इसका मीन्स यह है कि उसके बाद दूसरा लॉकडाउन भी आने वाला है। जी हाँ, लॉकडाउन सरकार ने इसीलिए लगाया था जिससे कि कोरोना से संक्रमित सभी मरीजों को हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया जाए जिससे बाहर के लोगों में संक्रमण ना फैले। लेकिन दिल्ली से निकले तबलीगी जमात के लोगों ने आज पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण फैला दिया है। पिछले 3-4 दिन से तबलीगी जमात के लोगों की वजह से ही आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार हो गई है और हर दिन कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तो इससे जो हमारा लॉकडाउन का समय है उसका समय सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अगर इस स्थिति में लॉकडाउन को खोल दिया जाता है तो ये कोरोना वायरस महामारी का रूप ले लेगा। तो इस लॉकडाउन में 14 अप्रैल के बाद यानी 15 अप्रैल से कुछ दिन के लिए थोड़ी सी आसानी यानी कि नरमी दिखाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह अपने घर से बाहर निकलेंगे और कहीं पर भी काम धंधा करने चले जाएंगे या फिर घूमने फिरने लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तमाम सरकारों ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन में जिस तरह की सख्ती अभी देखी जा रही है उसमें थोड़ी बहुत आपको छूट दी जाएगी, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि लॉकडाउन पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और आप अपने काम पर दोबारा वापस लग सकते हैं। और ये पहला लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा। 2-4 दिन की ढिलाई के बाद दूसरा लॉकडाउन भी शुरू हो सकता है और अगर दूसरा लॉकडाउन होता है तो उसकी समय सीमा कम से कम 1 महीने की होगी और उसके बाद तीसरा लॉकडाउन भी शुरू होगा। तो यानी कम से कम 3 बार के लॉकडाउन के लिए हमें तैयार रहना है और हमें जब तक लॉकडाउन का पालन करना होगा जब तक कि ये महामारी पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। अगर ये महामारी इसी तरीके से चलती रही, कोरोना के संक्रमण इसी तरीके से मिलते रहे, तो ये लॉकडाउन भी हमेशा हमेशा के लिए चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने का आज के समय में सिर्फ एक ही उपाय है, हर किसी को अपने से दूर रखना, अपने घर के अंदर रहना, बाहरी लोगों से नहीं मिलना और भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना, क्योंकि संक्रमण आपको किसी से भी हो सकता है और एक बार अगर आप संक्रमण की चपेट में आ गए तो उससे आपका पूरा परिवार भी संक्रमित हो सकता है और आगे चलकर ये आपकी कॉलोनी आपके समाज को भी संक्रमित कर सकता है। जिस तरीके से आज इटली और अमेरिका की स्थिति है जहां पर लाखों करोड़ों लोगों तक इसके संक्रमण की आशंका है, कई कई हजार लोगों की मौतें हो चुकी हैं, इस तरीके की स्थिति अभी भारत में नहीं है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते एक अच्छा डिसीजन लिया और बहुत पहले ही कोरोना के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिस वजह से आज हमारे देश में कोरोना की स्थिति बहुत ही हमने काबू कर ली है। अगर तबलीगी जमात के लोगों ने दिल्ली से इस कोरोना को पूरे देश में नहीं फैलाया होता तो आज कोरोना वायरस हमारे काबू में होता और फिर हम इस लॉकडाउन को बड़े ही आराम से खोल सकते थे, लोग अपने कामों पर वापस जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने आप को तैयार करें आगे और अधिक समय तक क्वारंटाइन में रहने की यानी अपने घर पर रहने की, क्योंकि इसकी समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है कि आप पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हो सकते हैं। और आप पूर्ण रूप से तभी स्वतंत्र रहेंगे जब ये कोरोना महामारी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।